सियासत अगर जन सुविधाओं पर भारी पड़ने लगे तो फिर वही होता है जो सीतापुर शहर में हुआ है। यहां पर सपा सरकार के दौरान करीब 50 लाख रुपए के खर्च से 3 चौराहों पर बनाए गए फव्वारे 3.5 साल से महज इसलिए धूल फांक रहे हैं कि इनके बिजली कनेक्शन 6.5 लाख रुपए की बकायेदारी में कटे हुए हैं। बताते चले कि अखिलेश यादव की सपा सरकार में सदर विधायक राधेश्याम जायसवाल के प्रयासों से सीतापुर को मॉडल सिटी की तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना बनी थी। योजना पूरी तरह से तो आमली जामा नहीं पहन रखी थी, अलबत्ता शहर के 3 प्रमुख चौराहों पर सुंदरीकरण का काम करा दिया गया था। इस कार्य में लालबाग, बस अड्डा और जीआईसी चौराहों पर रंगीन लाइटिंग युक्त आकर्षक फव्वारे बनाए गए थे। वैसे तो लालबाग चौराहे के सुंदरीकरण हेतु 86,12,000 रुपए, जीआईसी चौराहे के लिए 62,15,000 रुपए व बस अड्डा चौराहे के लिए 83,23,000 रुपए स्वीकृति हुए थे। लेकिन आधे अधूरे काम में भी 50 लाख रुपए का खर्च दिखाते हुए उसका भुगतान भी करा लिया गया था। तीनों फव्वारे तैयार हो जाने पर 14 फरवरी 2017 को विद्युत विभाग से इनके लिए कनेक्शन लिए गए थे। शाम ढलते ही ये फव्वारे शहर ही नहीं यहाँ से गुजरने वालों के लिए भी मनमोहक सीन बन जाते थे। शहर के युवाओं ने तो इन्हें सेल्फी पॉइंट बना लिया था। समय बीतता रहा लेकिन बिजली का बिल जमा नहीं किया गया, जिससे बकाया राशि जब 6.5 लाख के पास पहुंच गई तो विद्युत विभाग ने 12 मार्च 2018 को इन तीनों चौराहों की बिजली गुल कर दी थी। विद्युत विभाग के मुताबिक बिल भरने की जिम्मेदारी नगर पालिका की थी, किंतु पालिका प्रशासन ने इन्हें हैंडओवर न होना बताकर देनदारी से साफ मना कर दिया था। सूबे में भाजपा की सरकार बने 4.5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक किसी नेता ने या प्रशासन ने इस ओर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा सियासत जनहित पर भारी है और महज 6.5 लाख की बकायेदारी में 0.25 करोड़ से बने फव्वारे बेनूर पड़े धूल फांक रहे हैं। जी, अभी आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ ये फव्वारे बंद हैं और संबंध में आपके द्वारा एक डिटेल भी प्रस्तुत किया गया है। तो इस संदर्भ में मेरा कहना है कि जो भी कार्य लंबित हैं या जिन कार्यों में कार्यवाही शुरू होकर के बीच में किन्हीं कारणों से रुक गई हैं, उन सभी कारणों को समझा जाएगा, उनका संज्ञान लिया जाएगा और ये मैं निर्माण विभाग को आगे भेज रहा हूँ और अभियंता से भी मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करूँगा और उसके बाद इसमें जो भी समुचित कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।